हुआ लाइव कि नहीं? ये देर लगती है, नहीं आ रहा यार, टाइम दे दिए। तो ये क्या आ रहा है यार, थंबनेल तो मूवी वही कर दी है, तो समझ ही नहीं आएगा। करो स्टार्ट, ठीक है अब। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज फर्स्ट क्लास एंट्रेंस बैच के लूँगा मैं, और एक्चुअली बस इंट्रोडक्टरी क्लास होगी तो थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, बस ये ट्रायल के लिए है। कल से प्रॉपरली आप लोगों का एक टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग क्लास लगेगी। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स भी होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास लगेगी, ठीक है? तो आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर का। पर्पस आप लोगों को पता ही है कि ये क्लास जो लाइव क्लास होगी ये बेसिकली एंट्रेंस बैचेस के लिए है, JMI AMU एंट्रेंस के लिए। अब इसी पर्पस से ये क्लासेस लाइव लगाई गई हैं, और दूसरा अभी इसका पर्पस नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपको तैयारी करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बोल सकते हो, दोस्तों को बोल सकते हो, डिप्लोमा की जो तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा एंट्रेंस की, जिसमें पूसा वगैरह जो होता है, इन सब की तैयारी के लिए भी आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि हाँ ये क्लासेस लग रही है, और वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का। हाँ, फर्स्ट चैप्टर आपके मैथमेटिक्स का है, वही स्टार्ट करते हैं, और वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले तो नंबर्स के बारे में जानेंगे हम, नंबर्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं जामिया एएमयू एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा भी, और आप लोगों को उसके अलावा अदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए PDF वगैरह भी इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग PDF देख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डाउट सेशन के अरेंजमेंट भी करेंगे, उसके लिए आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल नंबर सिस्टम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो आप लोग, देखो इसको। मैथमेटिक्स में वैसे तो बच्चों नंबर सिस्टम कई सारे होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, कंप्यूटर्स वाले सब अलग होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो यूज होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले बहुत बेसिक नॉलेज है ये, आप लोगों को पता भी है, बस जस्ट फॉर रिमाइंडर स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर, सबको पता है। काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइटली जहाँ तक भी चाहो लिखते रहो। इसमें ना एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना आप लोगों को, जो डिनोशन होता है बच्चे, कि किस अल्फाबेट से इसको डिनोट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वो लिख दे रहा हूँ। कैपिटल N से जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होल नंबर, जीरो से स्टार्ट होता है, बस इतना सा फर्क है, सबको पता होगा ये। तीसरा इंटीजर, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं,
माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 और प्लस वाले तो होते ही हैं। तो एक तरीके से सारे नंबर्स नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले दोनों इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। इसके बाद बारी आती है रैशनल नंबर की। इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को जानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड ज़्यादा आते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर दैट कैन बी रिटन, दैट कैन बी रिटन या रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सबको पता ही है। लेकिन रैशनल नंबर में कंफ्यूजन कहाँ पे होती है देख लो एक बार। अभी बात करते हैं जैसे कुछ नंबर्स की। मान लो कि 5/7 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये रैशनल नंबर है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं है, यानी कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्शनल, अगर सपोज कर लो कि आपको सिर्फ कोई नेचुरल नंबर दे दिया गया 3, तो 3 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज 3/1, 3 कैन बी रिटर्न एज 3/1 वेयर 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं है, तो ये भी एक तरह से अगर देखें तो रैशनल नंबर ही है। इट मीन्स सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे होल नंबर पे। जीरो, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो न्यूमिनेटर में है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0/1 वेयर 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। न्यूमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सॉरी न्यूमिनेटर कैन बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 1 जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये 0, 3, 5/7 यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब के सब रैशनल नंबर है। ये तो बात हो गई फ्रैक्शनल चीजों की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेसिमल्स की, आप लोग वैसे चाहो तो चीजों को नोट कर सकते हो, लेकिन ये जो भी क्लास हो रही है अगर कोई नोट नहीं भी करता है तो जितनी भी इसमें मैंने चीजें लिखी हैं उन सब का एक वो बना करके PDF बना करके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से भी कभी भी रिवीजन कर सकते हो। हाँ, तो रैशनल नंबर में ना डेसिमल्स के बारे में बता रहा था मैं। तो डेसिमल्स के बारे में पहले जानना जरूरी है, तो थोड़ा सा चलते हैं अब उस पर डेसिमल पे। किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वो डेसिमल्स में कन्वर्ट होता है। डेसिमल्स बेसिकली वैसे देखें तो दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसे डेसिमल्स जो डेसिमल के बाद डिजिट्स उसके टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप 7/5 को लिखो तो आप लिखना शुरू करोगे तो लिख सकते हैं उसको 1.4, 1.4 डेसिमल के बाद जो तो डिजिट है वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि 7/3 आप इसको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो तो जब आप लिखोगे तो ये आएगा 3 2 जा 6 और 0.33 जा 9 33। ये खत्म नहीं होगा, ये डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो खत्म नहीं होते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग सिंपल है, डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद या दो डिजिट के बाद या 10 डिजिट के बाद जहां भी जाके टर्मिनेट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में यहां से अगर कैटेगराइज करें बच्चों तो दो कैटेगरी हो जाती है। एक कैटेगरी यहां से आ जाती है रिपीटिंग की और एक इसकी कैटेगरी आ जाती है नॉन रिपीटिंग की। एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं, जैसे ये आपके सामने है 2.333, यानी कि जैसे 2.33 तो ये 3 3 खत्म नहीं हो रहा, इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2.3 बार। तो ये
रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और नॉन रिपीटिंग जैसे सपोज कर लो कोई डेसिमल ऐसा है 2.01001001, अब इसमें कोई ऐसा रिपीटेशन नहीं है, एक पैटर्न तो है बट हम इस पे बार नहीं लगा सकते कहीं पे जा करके कि बार बार एक ही रिपीटेशन आएगा। 7 पॉइंट सपोज कर लो 3509081, कुछ भी ऐसे डिफरेंट डिजिट्स बार बार आ रहे हैं, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं डेसिमल्स दो तरह के हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग खत्म तो नहीं होंगे बट बार बार एक ही डिजिट आएगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग खत्म तो नहीं हो रहा है और बार बार सेम डिजिट भी नहीं आ रहे। तो इसमें अगर हम कैटेगराइज करें तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह का जो होता है, ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल, दिस इज रैशनल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स की बात कर रहे हैं अभी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं वो भी होते हैं रैशनल, सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। अभी इरेशनल पे आएंगे हम लोग, उसको भी थोड़ा सा और देखेंगे। तो इस तरीके से डेसिमल्स में तीन कैटेगरी अगर देखें, दो मेन है वैसे, अगर इसके दो देखें तो टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले, ये दोनों होते हैं रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये डेसिमल्स के हो गए कैटेगरी। अब आते हैं हम लोग उस पे जो हम लोग कर रहे थे। हाँ बच्चों, तो यहाँ थे हम लोग डिनोशन पे, अगर जाएं होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लोग जो कर रहे थे इसमें हमने देखा अभी तक रैशनल, तो रैशनल नंबर में अगर फ्रैक्शन की बात की जाए तो ये हो गए, इसके अलावा डेसिमल्स की बात की जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जैसे 0.23 है ना, या 0.77 बार या 7 बार सिर्फ हो, तो इस तरह के नंबर्स जो आ गए ये हो गए इस तरह के डेसिमल्स रिपीटिंग वाले, और इस तरह के टर्मिनेटिंग वाले, इस तरह के डेसिमल्स भी रैशनल नंबर में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे सॉर्ट्स जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे प्राइम नंबर्स आ जाए उसमें, सपोज कर लो जैसे √3, √11, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकलता, इस तरह के रैशनल नंबर होते हैं। और अगर बात की जाए डेसिमल नंबर्स की तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जैसे 7.01001001 इस तरह के डेसिमल्स जो ना खत्म हो रहे हैं और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है कि बार बार हम उसके ऊपर बार लगा सके। ऐसे इरेशनल नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करने की बात आ जाए तो हम आई से डिनोट करते हैं। अभी रैशनल इरेशनल तक पहुंचे हम लोग, आगे इसके आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम में बच्चों अगर आगे बढ़े हम तो कुछ बड़े सिंपल सिंपल से हैं, सब पता ही है आप लोगों को। ऑड नंबर के बारे में आप सबको पता है, नॉट डिविजिबल बाय टू, सिंपल है 1, 3, 5, 7 ... इवन नंबर में एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इवन नंबर के डेफिनेशन कहते हैं बच्चे कि डिविजिबल बाय टू, नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय टू। तो अब इसमें बच्चे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे नंबर्स इवन है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 0 भी इवन नंबर है बिकॉज डेफिनेशन कहती है इवन नंबर की कि दैट कैन बी डिवाइडेड बाय टू। तो
जीरो भी टू से डिवाइड हो सकता है, जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर, सो जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर। लेकिन जब बात होती है ना कभी कभी, तो आप लोग देखते हो कि जीरो को लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ वहीं पे नहीं लिखा जाता जहां पे ये मेंशन होता है नेचुरल नंबर, यानी कि इवन नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए तो जीरो तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। सिर्फ इस वजह से जीरो को वहां पे स्किप कर देते हैं, टू से लेते हैं। लेकिन अगर बात नेचुरल नंबर की ना की जाए तो जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके अलावा दो और पेयर हैं, आप सबने पढ़ा होगा पहले भी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो। वो दो फैक्टर्स कौन से, एक तो वन एंड दूसरा इट सेल्फ, वो खुद। कोई भी नंबर जो सिर्फ खुद से और वन से डिवाइड होता है, जैसे टू, टू के दो फैक्टर्स हैं, वन और एक ये खुद, थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री, तो इस तरह के नंबर्स हैं। दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो दो फैक्टर्स होने चाहिए। देखो यहाँ पे वन नहीं होता बच्चे, क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है खुद, वो वन, जिसके दो फैक्टर्स होने जरूरी है, वन और इटसेल्फ, वो सारे होते हैं प्राइम नंबर। एक नंबर आता है अब यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, जैसे फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिनके वन और खुद के अलावा भी फैक्टर्स हैं। फोर का वन भी है, टू भी है, फोर भी है, तीन फैक्टर्स हैं, सिक्स के भी हैं चार फैक्टर्स। इस तरीके से इनके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स है, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर है। तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है, और जो कॉम्पोजिट है वो प्राइम नहीं है। ये दोनों बिल्कुल वैसी है जैसे जो ऑड है वो इवन नहीं है, जो इवन है वो ऑड नहीं है। वन एक इकलौता ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। तो ये भी वन मार्क में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आप लोग बताओ कि कोई ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो ना तो प्राइम हो ना कॉम्पोजिट हो, तो आप बता सकते हो कि वन है ऐसा नंबर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, थोड़े से और नंबर्स हैं उसको भी देख लेते हैं, या यहीं पे देख लो। को प्राइम, ये को प्राइम कई बार आता है, बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअल में को प्राइम ना एक इकलौता नंबर नहीं हो सकता, को प्राइम पेयर ऑफ नंबर्स है, यानी कि दो नंबर्स को हम कंसिडर करते हैं। अब पेयर ऑफ नंबर्स Having only one common factor, और वो वन क्या, वो वन कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होना चाहिए। तो दो नंबर्स एक साथ कभी भी लेंगे तो लेंगे, जैसे मैं लेता हूं टू और थ्री, टू एंड थ्री आर को प्राइम, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है। अच्छा, ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो वो भी को प्राइम में हो सकते हैं। देखो अगर मैं ले लूं 15 एंड 14, एक्चुअल में ना तो 15 प्राइम है ना 14 प्राइम है, दोनों के दोनों क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि वन और खुद के अलावा कई टेबल में आते हैं बच्चों। लेकिन 15 और 14 के बारे में एक बात है कि इनका अगर आपस में कॉमन फैक्टर देखें तो वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 15 और 14 ये दोनों को प्राइम है। तो प्राइम और को प्राइम, इसका ना डिफरेंस ध्यान से रखना, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इसकी जरूरत ना इरेशनल नंबर प्रूव करने में भी पड़ती है, वहां हम लोग अक्सर इसको यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है कि को प्राइम पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। फ्रैक्शन में आते हैं जनरली ये, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये अब कैंसिल आउट नहीं होंगे, मिनिमाइज फॉर्म में रहते हैं। तो यहां तक ध्यान से देख लो आप लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने देखे बहुत सारे नंबर्स, इवन ऑड प्राइम को प्राइम, है ना, रैशनल इरेशनल,
और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब देखा हमने। इन सब जो नंबर्स को हमने पढ़े, ये सारे के सारे एक्चुअल में, रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर, यानी कि अभी तक आपने जितने पढ़े वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, ऑल अबव। रियल नंबर को बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अल्फाबेट्स में इसलिए लिख रहा हूँ कैपिटल आर से, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी ऐसे कुछ लिखा जाएगा, जैसे मान लो एक्स वाई, कभी कभी होता है ऐसे लिख देंगे एक्स और बिलोंग्स टू लिख देंगे आर, कभी लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू लिख देंगे जेड। ये जो सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू का होता है, ये सी टाइप शेप बना करके और ऐसे ये करते हैं। 11th में आप बिलोंग्स टू पढ़ोगे, अभी भी यूज किया जाता है कई जगह। तो ये जो लिखा होता है ना, इसका मतलब है क्या कि एक्स रियल नंबर है। वो पूरा स्टेटमेंट यूज करने की जगह क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएगा तो सिर्फ ये लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू जेड। अभी आपको समझना है कि एक्स यहाँ पे इंटीजर है, एक्स यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जेड की जगह जेड प्लस लिख देंगे, कभी कभी एक्स जेड माइनस लिख देंगे। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, जेड माइनस का मतलब है कि सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से सिंबल्स जो है ना, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया आप लोगों को, पहले के पेजेस में भी देखो अगर जा करके देखो, तो यहाँ नेचुरल नंबर एन, होल नंबर डब्ल्यू या जेड, या क्यू, क्यू अक्सर रैशनल नंबर के लिए होता है, आई इरेशनल नंबर्स के लिए। तो ये जो डिनोशंस है बच्चों, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, तो रियल नंबर और इसी के बारे में पढ़ना है। अभी तक जो आपके एंट्रेंस में होने हैं वो रियल नंबर्स तक ही पढ़ना है, हालांकि थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में मैं रियल से आगे भी जा करके, रियल से थोड़ा सा आगे जाएंगे, इमेजिनरी यानी कि आयोटा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इसमें जो ये क्लास लगेगी, जेएमआई एएमयू एंट्रेंस का तो कवर होगा ही, डिप्लोमा के बच्चों का भी कवर हो जाए, तो एटलीस्ट कुछ पार्ट जितना पोर्शन आता है उतना आप लोगों को पढ़ा दूंगा, आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा, आगे की क्लास में काम आ जाएगा अगर देख लोगे तो। वीडियो ही तो है, नहीं देखनी है तो मत देखो, लेकिन देखनी है जिसको ज़रूरत है वो देख लेगा। तो रियल नंबर या नंबर सिस्टम पूरा अगली क्लास में और डिटेल में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी थोड़ा सा अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। रियल नंबर से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं बच्चों, सबसे पहले जो आपने ये नॉलेज गेन किया, प्राइम को प्राइम है ना, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स, इन पे बेस्ड आएंगे, रैशनल कौन सा है, रैशनल कौन सा है। कभी कभी सिंपल सी बातें दे देंगे है ना, कि जैसे रूट मान लो 63 अपॉन रूट 7, और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ ये रैशनल है या इरेशनल। तो कई बार बच्चे देखेंगे 63 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता भाई, ये हो गया इरेशनल। तो बहुत सिंपल सिंपल से आइए, तो ये रैशनल हो जाएगा गलत, क्योंकि जब ये दोनों रूट में है तो साथ में लिखे जा सकते हैं, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी देखना होता है। 6 9 जा, तो अब ये 9 बचा जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता तो वो 3 आया, तो फाइनली ये रैशनल निकला। तो इस तरह के कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको बेसिक नॉलेज भी अगर है तो अटेंड कर लोगे आराम से, उसको कर सकते हो अटेम्प्ट करके। और कुछ क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखो वैल्यूज निकालने के लिए, हाँ बच्चों, जैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो ये दिया है, सिक्सटीन इंटू एट रेज टू पावर एन प्लस टू इक्वल्स टू टू रेज टू पावर एम, एंड क्वेश्चन इज इफ दिस देन फाइंड एम। तो अब ये थोड़ा सा बच्चों एक्सपोनेंट्स का खेल है यहाँ पे। 16 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर 4। 8 को अगर हम करें तो 2 रेज टू पावर 3 होगा, और
इसकी पावर n प्लस टू है, इधर टू की पावर क्या है, m है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्सपोनेंट्स के रूल कहते हैं क्या कि जो पावर है पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपको 3n प्लस 6 इज इक्वल टू 2^n। बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, ये होगा आपको 3n और प्लस 10 इक्वल्स टू 2^m। तो फाइनली अगर हम देखें अब नाउ दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, सो वी कैन राइट इट दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 3n प्लस 10। अब जो ऑप्शन 3n प्लस 10 होगा वो हमारा आंसर हो गया, उसको टिक कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं एक्सपोनेंट्स वाले, आपको जो मैं पीडीएफ देने वाला हूँ अभी इसी उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे लिंक उसका, तो उस पीडीएफ में ये क्वेश्चन है उसी से एक करा दिया है मैंने, बाकी आप लोग अटेम्प्ट करोगे घर पे तो वो सब आ जाएंगे आप लोगों को। और जो भी डाउट होगा बच्चों आप लोगों का, जैसे मान लो कि 20-25 क्वेश्चन है आपने कर लिए, आपको डाउट्स लगे, यूट्यूब क्लास जो ये अभी हम ले रहे हैं जहाँ पे, तो यहाँ पे बोथ वे कम्युनिकेशन थोड़ा सा वैसे है, आप हालांकि कमेंट्स में डाल सकते हो उसको देख करके मैं ये करूँगा, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो रादर देन हम लोग इसके लिए अलग से क्लास रख के अदर ऐप जूम ऐप या कुछ यूज़ करके वहाँ पे आप लोगों को पर्सनली मैं डाउट्स वगैरह ले लिया करूँगा, जिसके भी होंगे उसका भी टाइम आपको बता दूंगा, और क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग डाउट्स ले लेना। फिलहाल के लिए आज इतना रहने देते हैं, अब आप लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह जितने हो सके वो अटेम्प्ट कर लेना, और क्लास का शेड्यूल भी शेयर कर देंगे धीरे धीरे। आज बस ये इंट्रोडक्टरी था, थोड़ी सी क्लास थी छोटी सी जिसमें बस थोड़ा सा बताया, और एक्चुअली हम लोग अभी ट्राई ही कर रहे हैं इसको कि रिकॉर्डिंग वॉइस वॉइस सब सही है, सारी चीज़ें क्लियर, आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए, आप लोग देख करके बता देना कि हाँ सर ये चीज़ और बेटर ऐसी होनी चाहिए, या जो भी आप लोगों के फीडबैक रहेंगे उसमें कमेंट्स में डाल सकते हो आप लोग, तो वहाँ से उसमें और चीज़ें ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर कल क्लास होगी आप लोगों की, टाइम बता दिया जाएगा ग्रुप में।